लॉकडाउन में आमगोला के जयप्रकाश ने अनोखी मूर्ति तैयार की है जिसमें लोग लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। दरअसल जयप्रकाश ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मूर्तियां तैयार की हैं। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि इनमें पैसे भी जमा किए जा सकते हैं। जयप्रकाश कहते हैं कि वो पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। और जब पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान कहा कि जीत जाएंगे हम अगर तुम साथ हो, तो इससे वो काफी प्रभावित हुए। इसके बाद ही उन्होंने पीएम की मूर्तियों को बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पहली मूर्ति बनाने में उन्हें थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, लेकिन इसके बाद लगातार वो मूर्तियां बना रहे हैं। और इसमें यह खासियत है कि इसमें मूर्ति में बैंक भी बनाया गया है। बैंक है कि आप इस बैंक में पैसा रखिएगा एक समय पर, मोदी जी तो ऐसे ही मदद करते हैं एक मूर्ति के माध्यम से भी, जब इसमें पैसा जब रखिएगा तो एक समय पर काम आएगा। लगभग इसमें 2-3 लाख रुपया जमा हो सकता है। अगर 50, 100, 200 करके डेली जमा किया जाए बहुत पैसा जमा होगा, एक दिन काम आएगा। यही हमारा सोच है, मूर्ति को फोड़ना नहीं है, नीचे से पेंदी फोड़ना है, पैसा निकाल लेना है, फिर यहाँ लाना है, फिर हम बना देंगे, नहीं तो अपने से कूट लगा के फिर रख लेना। ये नहीं कि बार बार मूर्ति नहीं खरीदना है, एक ही बार खरीदना है, बहुत दिन चलेगा मूर्ति। कलर भी अच्छा से अच्छा है कि कलर पानी से भी खराब नहीं होगा। जयप्रकाश ने पीएम मोदी की मूर्तियों को बनाने में पर्यावरण का खास ध्यान रखा है। मूर्तियों में सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं। जयप्रकाश कहते हैं कि पीएम मोदी पूरे देश को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, इसीलिए उनकी मूर्तियों को बनाने में इसका खास ध्यान रखा गया है। जयप्रकाश पीएम नरेंद्र मोदी की इन मूर्तियों को घर घर पहुंचाना चाहते हैं और वो पीएम मोदी तक भी ये मूर्ति पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वो योजना बना रहे हैं। जयप्रकाश ने बताया कि वो इन मूर्तियों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे इसे पीएम तक पहुंचाने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि जयप्रकाश ने पहली बार किसी नेता की मूर्ति बनाई है, अब तक वो देवी देवताओं की ही प्रतिमा बनाते आए हैं। न्यूज़ डेस्क।